बेटा आई एम टेकिंग टुडे सॉलिड स्टेट्स पार्ट 16, ओके पार्ट 16. नाउ इन दिस आई एम टुडे डिस्कसिंग विद यू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. सॉलिड वी आर डिस्कसिंग सॉलिड, इसलिए मैग्नेट प्रॉपर्टी सॉलिड लिखी है. भाई मैग्नेट प्रॉपर्टी लिक्विड की भी हो सकती है, गैसेस की भी हो सकती है. ओके नाउ ये जो मैग्नेट प्रॉपर्टी है ये दे आर क्लासीफाइड एज, इनकी टाइप्स हैं बेटे, दे आर क्लासीफाइड एज. ये एक एक डेफिनेशन याद कर लेनी है और रीजन याद कर लेना. वन डेफिनेशन, रीजन एंड एग्जाम्पल. एक होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ये वो होते हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर वीकली रिपेल्ड बाई एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड. अगर आप इसको मैग्नेट फील्ड के बीच में रखोगे तो ये रिपेल्ड होते हैं, ठीक है. और ये बहुत सब्सटेंसेस होते हैं, केमिस्ट्री वाले को बहुत आसान है कहना कि ये डाया है या नहीं. सब्सटेंसेस, बहुत सब्सटेंसेस हैविंग नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जिनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक, उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. समझ लगी? उनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. एग्जाम्पल आपका नमक NaCl, आपका बेंजीन, जिसके पास को एटसेट्रा, जिसके पास कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं हो, उनको बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. एग्जाम्पल याद करनी है, ठीक है. बेंजीन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और बहुत सारी हैं, जिसके पास भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है वो डायमैग्नेट है. दूसरा होता है पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. पैरामैग्नेटिक वो होते हैं, दे वीकली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट फील्ड. ये मैग्नेट फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं. समझा कि इनकी दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, 11th में पढ़ाया था, ये पैरा मैग्नेटिक है, ठीक है. ऑक्सीजन आपका Cu+2, आपका Fe+3 एटसेट्रा, दे आर पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. फेरोमैग्नेटिक वो होते हैं बेटा, स्ट्रांगली ये बहुत ज्यादा मैग्नेट फील्ड से अट्रैक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड. और इनकी जे मैग्नेट फील्ड और इनकी जे प्रॉपर्टी होती है, दे बिकम मैग्नेट ये मैग्नेट बन जाती है, बिकम मैग्नेट ऑन प्लेसिंग इन मैग्नेट फील्ड, ऑन प्लेसिंग इन ए मैग्नेट फील्ड. अगर आप उनको मैग्नेट फील्ड में रखो तो वो अट्रैक्ट तो होते हैं, मैग्नेट बन जाते हैं.
परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। इनकी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल सबकी याद रखनी है। आयरन आपका जो क्वाल्ट, निकल, CrO2, ये एग्जाम्पलें कोई ज्यादा नहीं है इनकी। इन सब्सटेंस को जब आप मैग्नेट फील्ड में रखो, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड और दे बिकम मैग्नेट देमसेल्फ। अब मैं आपको बताऊंगा ये मैग्नेट क्यों हो जाते हैं। देखो ये इसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ये, और ये दूसरा, ये इसका दूसरा अनपेयर है। ये बहुत सारे उस सब्सटेंस में जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी परमानेंट अलाइनमेंट हो जाती है, उनका एक सबका डायरेक्शन एक साइड में सेट हो जाती है। दे बिकम नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इसकी वजह से मैग्नेट बन जाते हैं। जब मैग्नेट जब फील्ड में रखते हैं, पहले कोई इधर है, किसी का मुंह ऐसे है, किसी का ऐसे है, किसी की डायरेक्शन ऐसे है, किसी की, ये इलेक्ट्रॉन है, किसी की मूवमेंट इधर को है, किसी को इधर है, है किसी की इधर है, फाजेटिकली है। लेकिन जब हम उसको मैग्नेट फील्ड में रखते हैं उन सब की डायरेक्शन सेम अलाइनमेंट में हो जाती है, इसकी वजह से वो मैग्नेट बन जाते हैं। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, मैग्नेट फील्ड रखने से पहले वो सभी की डायरेक्शन एक जैसी नहीं होती, लेकिन जब मैग्नेट फील्ड में रखते हैं उनकी अलाइनमेंट एक जैसी हो जाती है, तो दे बिकम परमानेंट मैग्नेट एंड दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। एक है उसको बोलते हैं एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो ये कौन से होते हैं, ये वो होते हैं जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उन अनपेयर इलेक्ट्रॉन की ऐसे होता है, मतलब ये इधर को जा रहा है, ये इधर, ये कैंसिल हो गया, ये दो ऊपर को जा रहे हैं, दो नीचे कैंसिल हो गया, ये तीन ऊपर को जा रहे हैं और डायरेक्ट कर रहे हैं और तीन नीचे को डायरेक्ट कर रहे हैं। मॉलिक्यूल के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको फेरो मैग्नेट बनना चाहिए, ये पैरा मैग्नेट बन जाना चाहिए, लेकिन जब हम इनको मैग्नेट फील्ड में रखते हैं दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट फील्ड। और क्यों, क्योंकि ये इनकी अलाइनमेंट जो है वो इस तरह से है कि वो कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से, इधर ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया, ये दो ऊपर नेगेटिव दो पॉजिटिव, ये ऊपर दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, कैंसिल हो गए, ये आपस में कैंसिल कर देते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसकी एग्जाम्पलें काम होती है ऐसे सब्सटेंस की, MnO मैग्नीज ऑक्साइड की ये एग्जाम्पल है। मैग्नीज ऑक्साइड के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब हम उसको मैग्नेट फील्ड में रखते हैं वो अट्रैक्ट नहीं होता, दैट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब फिफ्थ इसको बोलते हैं फेरी मैग्नेट, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ध्यान से सुनना, ध्यान से, फेरी मैग्नेट सब्सटेंसेस इनके पास बहुत अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन बहुत है, इनको फेरो हो जाना चाहिए, दे शुड बी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट फील्ड, और ये हो जाने चाहिए, मैग्नेट भी बन चाहिए। They have a large number of अनपेयर इलेक्ट्रॉन इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। What they show less ferromagnetism as per the expectation, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, क्योंकि इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हैं, जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो इतनी फेरोमैग्नेटिज्म ज्यादा होती है, इसके पास इन सब्सटेंस के बहुत बहुत अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और इनको बहुत ज्यादा फेरोमैग्नेट होना था, लेकिन वो कम दिखाते हैं, हैं? दे शो लेस एज पर द एक्सपेक्टेशन।
जितना हमने सोचा था उससे कम दिखाते हैं। देखो क्या रीजन है इसका। इसका रीजन ये है, इसके पास ऐसे होता है, ये इलेक्ट्रॉन ये ऐसे है, ये दो ऊपर को चले गए, एक ही नीचे आ गया। देखो इन दो ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इन दो ने एक दूसरे को, इन दो ने कैंसिल कर लिया और एक बच गया। इसकी वजह से ये मैग्नेट प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, हैं, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हुआ। अगर ये सारे के सारे ये एक ही डायरेक्शन में सेट हो जाते, ये भी ये भी ये भी, फिर तो इसने स्ट्रांग मैग्नेट बन जाना था। लेकिन इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन वो कुछ एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और उसमें से कुछ बच रहे हैं जो कैंसिल नहीं हो रहे, उसकी वजह से दे शो है लेस फेरोमैग्नेटिज्म एज कंपेयर टू द एज पर द एक्सपेक्टेशन। और ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, इनको बोलते हैं हम फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। समझा गया, इनको हम फेरी मैग्नेट सब्सटेंस बोलते हैं। अब देखो ये फेरी मैग्नेट सब्सटेंस की कोई एग्जाम्पल बता देता हूं, ठीक है। ये इनकी ये एग्जाम्पलें आप ना बुक से, एनसीईआरटी की बुक से भी एग्जाम्पलें, खुद आपके लिए भी कोई काम छोड़ना चाहिए है, ये बुक ढूंढो एग्जाम्पल, रीजन समझ लो ध्यान से। उनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन वो सारे के सारे एक अलाइनमेंट में रहते, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, हैं, और जो बच जाता है ये 10 है, ये एक ऊपर हो गया, ये इधर हो गया, ये दो तीन नीचे हो गए, दो ऊपर हो गए, ठीक है, हैं, तीन दो पांच दो सात, हैं, ये ऐसे हो गए, दो 9 और ये 10 हो गए, इन दो ने कैंसिल कर दिया, ये दो और ये दो कैंसिल हो गए, ये दो, क्योंकि ये ऊपर को है ये नीचे को है, ये दो भी कैंसिल हो गए, लेकिन ये दो बच गए, ये और ये, जिनकी अलाइनमेंट सेम डायरेक्शन है, तो ये मैग्नेट दिखा रहा है इनकी वजह से, इनकी वजह से नहीं दिखा रहा, इन दो की वजह से दिखा रहा है जो कैंसिल नहीं हो रहे, समझाए, इसकी वजह से ये फेरी मैग्नेट सब्सटेंस है। ओके, ये नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके।